नमस्कार मित्रों, वेलकम ऑन कॉप्स एकेडमी। मैं हूं संदीप चंद्रवंशी और आज हम मध्य प्रदेश जीके सीरीज के अंतर्गत एक नए प्रारूप की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश के जो ज़िले से संबंधित जो भी टॉपिक है या फिर मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनको हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो ज़िले के इस क्रम में हम देखेंगे कि ज़िले की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का घनत्व कितना है, वहाँ का जो शिक्षा का प्रतिशत या फिर एजुकेशन जो रेशियो वो कितना है, साथ में वहाँ का लिंगानुपात कितना है, इसके अलावा वहाँ की मिट्टी, नदियाँ, परियोजना और वहाँ के जो प्रमुख स्थल है, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास के माध्यम से या फिर जो हम ज़िलों वाले जो टॉपिक है इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो ज़िलों की इस क्लास में हमने सबसे पहले जो शुरुआत की वो भोपाल ज़िले से की है। भोपाल हमारी राजधानी है। आपको पता होगा कि भोपाल किसने बसाया, वैसे तो अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताएंगे। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये राजा भोज है। राजा भोज है, इनके द्वारा भोपाल शहर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी उसको भी देखेंगे, साथ में आपको एक और बात बताते हैं भोपाल को लेके कि भोपाल की जो स्थापना है दो बार की गई या फिर दो राजाओं के द्वारा इसको स्थापित किया गया, वो कैसे किया गया उसे हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़िला था हमारा भोपाल ज़िला है। भोपाल का हम सामान्य परिचय देखते हैं। तो सामान्य परिचय हम जब देखते हैं तो भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज थे, जो हमने ऊपर जो पिक्चर देखी थी ये राजा भोज थे उनकी है। तो राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में सन 1000 से 1055 ईस्वी के मध्य की है। देखिए, आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे बनने हैं कि जो परमार राजा भोज थे उनके द्वारा भोपाल शहर की स्थापना कब की गई। तो आपसे शताब्दी से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कि 11वीं शताब्दी में, साथ में आपसे सन भी पूछा जा सकता है। साथ में अगर आगे देखें तो भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था। भोपाल पे दो राजाओं के द्वारा विकसित किया गया, अर्थात भोपाल का जो विकास है वो दो राजाओं के द्वारा किया गया। वो कौन थे? पहले तो सबको पता है कि परमार राजा भोज थे, उनके द्वारा भोपाल शहर को स्थापित किया गया और उन्होंने अपनी राजधानी को धार में बनाया था। साथ में एक अन्य थे, वो थे दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद के द्वारा भोपाल को पुनः बसाया गया, और कब बसाया गया? सन 1708 से 1740 के मध्य। देखिए, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बन सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम किताबों में आपको मिलने वाला है। तो पहले तो हो गए राजा भोज और अगले हो गए आपके दोस्त मोहम्मद, जिनके द्वारा भोपाल शहर को पुनः स्थापित किया गया या फिर पुनः बसाया गया। आगे अगर आपको पता हो तो भोपाल 26 जनवरी 1972, देखिए पहले अगर आप जानते हो तो भोपाल तहसील था। तहसील कहाँ की था? ये सीहोर ज़िले की तहसील हुआ करता था। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1972 को भोपाल ज़िला बना, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ करता था? यहाँ सीहोर ज़िले की तहसील हुआ करता था। अगर आपको पता हो तो भोपाल को झीलों और पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता हो यहाँ पे झील, बड़ी झील, ठीक है, या फिर बड़ा तालाब जिसे हम बोलते हैं, तो उनके कारण इसको झीलों और पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। साथ में यहाँ पे विभिन्न पहाड़े भी हैं, ठीक है, उनको भी हम इसमें आगे इसमें देखने वाले हैं। आगे अगर आप देख पा रहे हैं तो भोपाल का जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका 2772 किलोमीटर होने वाला है। कितना होने वाला है? 2772 किलोमीटर हो जाएगा। साथ में अगर साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता यहाँ पर 80.4%। देखिए, भोपाल ज़िले में साक्षरता कितनी हो रही है आपकी? 80.4%। तो आपसे साक्षरता से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और साथ में अब जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यहाँ है कि भोपाल ऐसा शहर है जहाँ पे जन घनत्व सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है, अर्थात जो यहाँ का जनघनत्व 855 है, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा पूरे राज्य के जिलों की अपेक्षा, ठीक है। जब आप जलवायु की बात करेंगे तो भोपाल की जलवायु सम जलवायु, सम का अर्थ होता है यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होने वाली है और ना ही यहाँ पे ज़्यादा सर्दी रहने वाली, अर्थात यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा। साथ में अगला हमारा टॉपिक है मिट्टी। तो मिट्टी की जब बात करेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी वजह यहाँ है कि भोपाल आपका मालवा के अंतर्गत आता है और मालवा के अधिकतर क्षेत्र में काली मिट्टी फैली हुई है।
काली मिट्टी के होने के कारण यहाँ पे आपका गेहूं की कृषि की जाएगी, लेकिन गेहूं में आपका सरबती गेहूं मुख्य रूप से यहाँ पे बोया जाता है, तो आपसे सरबती गेहूं से भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ में वैसे तो हमारे यहाँ पे उज्जैन में ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है, लेकिन भोपाल में भी मिट्टी की उपलब्धता और उपजाऊपन के कारण आपका सोयाबीन का उत्पादन किया जाने वाला है। ठीक है, तो हमारा मिट्टी भी इसमें कंप्लीट हो गया कि मिट्टी मुख्य रूप से कौन सी पाई जाएगी, कि काली मिट्टी। अगला जब आप देख रहे हैं, अगला आता है आपका परियोजना। आपको अगर पता हो तो कोलार डैम बहुत ज़्यादा जाना माना है, तो इसकी जब बात करें तो इसे हम कोलार परियोजना के नाम से जानते हैं, और इसी के तहत भोपाल में अधिकतर जो पानी का सप्लाई है इसी के माध्यम से होता है। ये जो कोलार परियोजना है यहाँ कोलार नदी पर बनाई गई है, और ये जो कोलार नदी है यहाँ आपकी नर्मदा की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, तो नर्मदा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, आपकी कोलार होने वाली है, तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। साथ में भोपाल में कौन सी परियोजना है, तो कि कोलार परियोजना है, तो सीधा परियोजना से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। अगला देखिए, अब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण आने वाला है, वहाँ है आपका प्रमुख स्थान। देखिए, प्रमुख स्थान की जब बात करेंगे अर्थात भोपाल जो कि हमारे राज्य की राजधानी है, वहाँ पे विभिन्न संस्थान भी है, विभिन्न संगठन भी है, साथ में आपको और भी जैसे संग्रहालय भी मिलने वाले हैं, तो उनको भी हम आगे इसमें देखने वाले हैं। तो प्रमुख स्थान में जब आपका सबसे पहले आता है BHEL, देखिए BHEL को जब अगर फुल फॉर्म अगर बात करें तो आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के नाम से इसको जानते हैं। इसकी स्थापना 1960 में की गई है, तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ में आपसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाला है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो इसकी जो स्थापना है वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। तो आपका BHEL वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत है, साथ में आपके जो नवरत्न हैं उनमें भी इसकी गिनती की जाने वाली है। आगे आप देख पा रहे हैं, आपको दो नाम दिख रहे हैं, एक है ताजुल मस्जिद और एक है ढाई सीढ़ी की मस्जिद। तो इन दोनों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम कवर अगर करने की बात करें, तो ताजुल मस्जिद जो है यहाँ आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, अर्थात भारत की सबसे बड़ी की जब बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, आपकी ताजुल मस्जिद हो जाएगी। इसका निर्माण देखिए, ताजुल मस्जिद का निर्माण सन 1887 में, आपसे सन भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा किया गया, शाहजहाँ बेगम के द्वारा। ठीक है, तो शाहजहाँ बेगम के द्वारा ताजुल मस्जिद का निर्माण किया गया। साथ में एक और मस्जिद है जो कि यहाँ की सबसे छोटी है, या फिर भारत की सबसे छोटी मान सकते हैं, तो वह है आपकी ढाई सीढ़ी की मस्जिद। ठीक है, ढाई सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण किसने किया, दोस्त मोहम्मद ने। कब किया, 1716 में। तो आपसे क्वेश्चन बनने हैं, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद, सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है, ढाई सीढ़ी की मस्जिद। साथ में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ताजुल मस्जिद है वो किसने बनवाई, तो कि शाहजहाँ बेगम के द्वारा। इसके बाद ढाई सीढ़ी की जो मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई, की दोस्त मोहम्मद के द्वारा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन आपसे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। अगला आप देख पा रहे हैं, तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। देखिए, विभिन्न संग्रहालय आपके भोपाल के अंतर्गत मिलने वाले हैं, इसमें आपका जो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है यहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पांडुलिपि से संबंधित जो कुछ जो पुराने अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। अगला है आपका इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र। देखिए, इसरो का जो उपग्रह नियंत्रण केंद्र है वहाँ भी आपका भोपाल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद अगला आता है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम एनर्जी पार्क। देखिए क्या नाम आया है, प्रथम एनर्जी पार्क, तो ये कहाँ हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद आपका आता है वन विहार। वन विहार यहाँ का बहुत प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, वन विहार की अगर बात करें तो सॉरी, वन विहार के साथ साथ यहाँ पे आपको सर्प उद्यान भी मिलने वाला है। अगला जब आप देख पाएंगे तो अगला आता है आपका ब्लड बैंक। तो देश का मॉडल ब्लड बैंक जो कि आपका भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में स्थापित है। ठीक है, तो देश का मॉडल ब्लड बैंक आपको कहाँ मिल जाएगा, भोपाल के अंतर्गत। हॉस्पिटल का अगर नाम पूछे तो आप हमीदिया हॉस्पिटल बता सकते हैं। अगला आता है आपका भारत का प्रथम आपदा प्रबंध संस्थान। क्या नाम आया है,
आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वहाँ आपका भोपाल के अंतर्गत हो जाएगा। इसके बाद अगला आ रहा है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम सेलरीज जैविक खाद संयंत्र। ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम सेलरीज जैविक खाद संयंत्र आपका भोपाल में स्थापित हो जाएगा। अब देखिए अगला आता है आपका प्रमुख संस्थान एवं संगठन। तो इसमें आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो मिलने वाला है या फिर एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो उपयोगी क्वेश्चन हो जाएगा उसको हम देखेंगे। तो उसमें आपका सबसे पहले आएगा राज्य सचिवालय। ध्यान से देखिएगा, राज्य सचिवालय। तो राज्य सचिवालय आप किसको बोलते हैं? वल्लभ भवन को। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनने हैं यहाँ से। राज्य सचिवालय आपका वल्लभ भवन हो जाएगा। अगला है राज्य संचालनालय, तो यहाँ आपका सतपुड़ा भवन हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है आपका इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। देखिए आपका आया है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, तो यहाँ आपका राज्य का नवीन विधानसभा भवन हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले मिंटो हॉल में आपकी विधानसभा लगती थी। अगला है आपका श्यामला हिल्स, तो श्यामला हिल्स में आपका मुख्यमंत्री निवास हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वल्लभ भवन में क्या है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सचिवालय कहाँ पर है कि आपका वल्लभ भवन में, राज्य संचालनालय कहाँ पर, सतपुड़ा भवन में, विधानसभा कहाँ लगती है कि इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में, साथ में आपका मुख्यमंत्री निवास कहाँ पे है कि श्यामला हिल्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अन्य संस्थान, अब अन्य संस्थान की बात करें तो भोपाल के अंतर्गत बहुत सारे संस्थान आपको मिल जाएंगे। उनमें आपका सबसे पहला आपका अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग भी आपका भोपाल के अंतर्गत हो जाएगा। साथ में अगला है आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, यहाँ भी आपका भोपाल में आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन मेमोराइज कराते हैं। जब हमने मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्पेशल 50 के नाम से जो क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें आपने माइनिंग कॉरपोरेशन के बारे में बात की थी, तो वहाँ जो माइनिंग कॉरपोरेशन है वहाँ भी आपका भोपाल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला जब आप अगर देख पा रहे तो वहाँ है आपका राज्य अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग आपका कहाँ हो जाएगा? भोपाल के अंतर्गत। इको पर्यटन विकास बोर्ड, यहाँ भी आपका भोपाल में हो जाएगा। अगला आता है खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है, यहाँ भी आपका भोपाल में हो जाएगा। इसके बाद नाम आया है साई। देखिए जो साई है यहाँ आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, उसका कारण क्या है? क्वेश्चन बनना है आपसे कि साई का फुल फॉर्म बताइए, तो साई का आप फुल फॉर्म बताएंगे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बताएंगे? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है आपका? भोपाल में, जिसको हम साई के नाम से जानते हैं। अगला है आपका भारतीय होटल प्रबंध संस्थान, कहाँ पे है आपका? भारतीय होटल प्रबंध संस्थान भी आपका भोपाल के अंतर्गत हो जाएगा। अगला आता है नरहुन्ना प्रशासन अकादमी। अब जिस संस्थान का नाम आया है उसको अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ क्या है? नरहुन्ना प्रशासन अकादमी। हर व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है कि वो यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाकर DSP की ट्रेनिंग करे। तो क्या हो जाएगा आपका? नरहुन्ना प्रशासन अकादमी, यहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला आता है कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, तो यहाँ आपकी भोपाल में हो जाएगी। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल में हो जाएगा। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल में हो जाएगा। अगला आता है राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान, तो यहाँ भी आपका भोपाल के अंतर्गत हो जाएगा। अगला आपका आता है संग्रहालय। देखिए भोपाल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संग्रहालय हैं, उन संग्रहालय में हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो उसमें आता है आपका दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। सबसे पहला है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। तो आपसे संग्रहालय से क्वेश्चन बन सकते हैं और पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपका भोपाल में हो जाएगा। अगला है आपका प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, यहाँ भी आपका भोपाल में हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है आपका बिरला संग्रहालय, बिरला संग्रहालय भी आपका भोपाल में हो जाएगा। अगला आता है आपका माधव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, माधव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय यहाँ आपका भोपाल में है।
राज्य संग्रहालय भी यहाँ है, साथ में शिव संग्रहालय आया है। तो शिव संग्रहालय की जब बात करें यहाँ भोपाल में, लेकिन यहाँ आपका देश का प्रथम है। इसके अलावा अन्य अगर बात करें तो भारत भवन, भारत भवन भी आपका भोपाल के अंतर्गत ही आना वाला है।